आता है उनका किसका उद्धार नहीं करता है, नहीं अपना नहीं दूसरे का उद्धार, जाके अपना कपड़ा उपड़ा रंगा के संतों के तुम्हारे पास आया, तुम्हारे मर्द ने बोला हमारा गुरु है, कथा वार्ता अच्छी करता है, हारमोनियम मुझे बजाता है, कथा करती करता है, मतलब वो सच्चा संत हुआ, तुम्हारे घर में आया, तुमने उसकी सेवा किया, ये किया वो किया, तुम बोला पैसा दियो ये दियो, उसके लिए आता है कोई संत है जो तुम्हारे घर से पैसा नहीं लेके जाए, दक्षिणा नहीं लेके जाए, कोई ऐसा है जो बोले मेरे को पाँव भी नहीं पड़ो, हाथ भी नहीं जोड़ो, पैसा भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, तुम खाली ज्ञान सुनो, तुम अपना उद्धार करो, बस उद्धार करके चला जाओ, बाकी खाना पीना इसमें नहीं जाओ, तुम वृत्ति नहीं लगाओ इसी बात में, वो सच्चा संत जो करे आप समान, हमको जब सच्चा संत मिला, सच्चा गुरु मिला, तभी हमको पता चला, हमको जवहरी बना दिया, तो इधर बैठो, ये सच्चा ही रहे ये झूठा ही रहे, जवहरी के पास तुम जाता है ना तो कैसे तुम जवहरी बनेगा, तुमको ठंडी में बरसात में सूरज की रोशनी में चांद की रोशनी में हीरा दिखाएगा, देखो ये सच्चा है ये झूठा है, हमको बिछा के बिछा के गुरु ने रात दिन और दिखाया सच क्या है झूठ क्या है, पूरी पूरी आंख जो है वो दे दिया जवहरी की आंख, और तुम जिसको भी देखेगा बोलेगा ये भी सच्चा है, माया भी सच्ची है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सब चमकता है लेकिन वो सोना नहीं है, झूठा और भी जास्ती चमकता है, माया और भी जास्ती चमकती है, ये सत्तोगुणी माया है, सब संत और साथी ये भी माया है, इसी माया को भी जानने का है, इसी से भी ऊपर उठने का है, जब अर्जुन को कृष्ण मिला वो तो दूसरे संत के पास नहीं गया था ज्ञान लेने के लिए, मैं इधर भी जाता हूँ, इधर भी मथा टेक के आता हूँ, इधर भी कुछ लेके, आखिर भी संत है, अर्जुन को कृष्ण मिला, अर्जुन गुम हो गया, भस्म हो गया, अर्जुन बचा ही नहीं जो दूसरे संत की जाके प्रशंसा करे, उधर जाए या उसका दर्शन करने जाए, अर्जुन गुम हो गया, तुम गुम नहीं हुआ तो इधर उधर ठिकाना में भी जाएगा, बोलेगा इधर भी अच्छा है उधर भी अच्छा है, सब संत अच्छे है, संत कोई नहीं है, संत तुमको बनने का है, बस तुम सच्चा संत बनो, बाकी कोई दुनिया में संत नहीं है, अधे कही अबे कही मुंह न कही तो कह न कही, हमारे अधे ने किया हमारे अबे ने किया, वैराग लिया ज्ञान लिया लेकिन हमने नहीं किया तो क्या वास्ता, दूसरा संत हुआ तो भी क्या, गुरु हुआ तो भी क्या, हमको क्या मिला, हम आप समान बना, हम अपने आत्मा में चुका तभी हमको फायदा, डॉक्टर अच्छा है लेकिन हमने दवाई पिया ही नहीं, हमारा रोग गए ही नहीं तो डॉक्टर अच्छा हुआ तो क्या हुआ, ऐसे अनकंसर्न बनेगा तभी तुम जिज्ञासु है, छठे अध्याय में क्या लिखा पड़ा है, अपनी योग मिल के चाल आप पर बैठे, बस अपने कोने में बैठे, अपने ध्यान में बैठे, अपनी समाधि में बैठे, घर में क्या भी होवे, मैं इसी का मतलब है, अंदर में झगड़ा भी होवे ना तो भी तुम उठ के नहीं आओ, अरे झगड़ा क्यों पड़ता है, ये महर्षि ब्रह्मण महर्षि के पास एक आदमी गया, भाई महर्षि क्या होता है, बोला तुम बैठ के देखो, पूछता क्यों है, तो उधर ही बैठा रंधरे से आवाज आया ठका चुकी ठका चुकी, तो एक आदमी आया, स्वामी जी आपके रंधरे में इतना ये शोर हो रहा है, शिष्य जो आपस में लड़ रहे हैं, वो चुप ही चुप शांत, उसने बोला ही नहीं और सोचा भी नहीं ये क्या भक्त है, थोड़े टाइम के लिए पूछा उसी से, भाई तुमको पता चला महर्षि माना क्या, महर्षि माना जैसे मैं बैठा हूँ शांत, ये महर्षि कुछ भी हो जाए घर में लड़ाई करके एक दूसरे को कतलाम भी कर देवे, तुम्हारा वास्ता नहीं है अपने रूम से उठ के और देखना तो बेटा बेटे से झगड़ा तो नहीं करता है, भाई भाई में झगड़ा तेरा की तुम मर जाएगा तो भी झगड़ा होगा, तो मुझे लगा मैं समझाता हूँ, समझाएगा तो तुम्हारे को भी कुछ न कुछ लग जाएगा बीच में, बरकत होके बैठो अनकंसर्न, किसी से भी वास्तेदार नहीं, वास्ता नहीं, बेवास्तेदार, कभी तुम छूटेगा इस माया से, तो पहले बोलता है गुण गुण में वर्तता है, तुम साक्षी दृष्टा होके बैठो, तो फिर बोलता है समझती माना सर्व को ऐसा देखो कि ये सब साक्षी दृष्टा है भगवान, वो गुणातीत है, तो क्या होता है फील किया कभी, कितना बेचारा बेवश हो जाता है, चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, और टोक मार सभी घर में जो है उसको पता नहीं कैसी नजर से देखता है, कोई उसके मानता में नहीं है, मनता में नहीं है, जास्ती बोलता है, जास्ती खाता है, जास्ती आदत का गुलाम हो जाता है, ये सब बुढ़ापे का दुख है, बोला जन्म बुढ़ापा और मृत्यु, उसी दुखों से छूटने के लिए
तुम गुणों से ऊपर उठो। मनसुबा गुण मनसुबा, तीन गुण के वजह से ये शरीर बना और स्वभाव तुम लेके आया। नहीं बोलता भाई ये तो सात्व की स्वभाव का आदमी है, ये तो जैसे रजो गुण का बच्चा ही होता है ना, एक तो बैठा हो किसी बच्चे को शांत बैठा हो और एक हड़ोड़ हड़ोड़ वाला बच्चा रात दिन रोता रहेगा, दुखी करता रहेगा, जलन सड़न एक दूसरे को झगड़ा जेड़ा बच्चा ही। तो ये स्वभाव तुम लेके आया, तीन गुण वाला स्वभाव तुम लेके इस शरीर में आया। ये शरीर कारण ही त्रिगुणमय माया का, तीन गुण और ये सब स्वभाव अनेक कर्म तुम अपने साथ लेके आया और इधर तुम्हारा वो स्वभाव बना। अब इस स्वभाव को तुम वश नहीं करेगा, तीन गुणों को तुम वश नहीं करेगा और आत्मा में नहीं टिकेगा तो जन्म और बुढ़ापा और मृत्यु का फिर दुख देखना पड़ेगा। अभी तुम आया तो त्रिगुणमय माया से ऊपर उठो। ये तीन गुण का जो स्वभाव तुम्हारे पड़ा है, ये स्वभाव को भाव से वश करो। ज्ञानी भाव को भाव से वश करता है स्वभाव को, और अज्ञानी स्वभाव के अधीन है। तो जो अधीन है वो दुखी है बेचारा, जो वश करता है वो हमेशा सुखी। इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, कैसा होता है, उसमें कौन से गुण होते हैं, कैसा दिखता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, उसका चलन आचरण कैसा होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अधिक होता है, क्या बोले पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। एक खास सुनो तो, खास है ये सब जो गुण है ज्ञानी में भी है, रजोगुण भी देखेंगे और रजोगुण भी है। जबकि बाहर से तुमको रजोगुण ही दिखता है, अज्ञानी कदम कदम भक्त की भलाई के लिए दौड़ता फिरेगा, किधर आया उधर गया, अरे जल्दी करो अरे जल्दी करो, तुम्हारे हाथ ही ऐसे सारा शरीर को कंपा देगा। जब उसको जल्दी करने की होती है ना, किसी के पास जाना होता है, तुमको होवेगा तो तुम्हारी चीजें गिर जाए हाथ से। ऐसा मैं पुल का पड़ा है, मुझे औरत बोल देता है मैं पुल का पड़ा है मैं लेके आती हूँ, बोला लेकिन मेरे को देरी होती है। अरे क्या कोई काम भी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, नहीं वो याद करती है उसके पास जाने का, नहीं मैं पुल का ही पड़ा है, वो चला गया थाना में बिना खाने के। और उधर वो माई जो है वो भगतियाणी, वो उसके लिए बैठी है, दादा आए तो ये खिलाऊं ये खिलाऊं, मैंने आज कड़ी चावल बनाया दादा के लिए, जरूर मैं बैठूंगी, वो आएगा तभी मैं खाऊंगी, ये हमारा गुरु आएगा तभी मैं खाऊंगी। तो उधर तो घर में गाली मिलती थी, ये दादा करता क्या, ये रजोगुण नहीं है तो क्या, ये ज्ञानी है धीरज नहीं है भाई, हम खाना लेने के लिए गई है तो भाग गया, किधर गया, जाके देखे तो उस भक्तियानी के पास कड़ी चावल बूंदी खा रहा है, सोना हो गया। ये हरण का है कि हरण अंदर से निकल गई, ये करना है बांध दो, शांत हो गई। इसे तो भगत ही उसको नचाता है, बाकी तो शांत है। तो तमोगुण भी उसमें देखने में आता है सुस्ती जैसे, भाई कहां भी नहीं जाने का, सारी दुनिया में किधर भी हमारा काम नहीं है जाने का, बैठे हैं क्योंकि इच्छा ही नहीं है। तो कभी उसमें प्रवृत्ति भी देखने में आती है, कभी उसमें आलस भी देखने में आता है, कभी उसमें सत्वगुण भी देखने में आता है, तो भी उसको अंदर में वो उसी गुण में नहीं बुरा समझता है, प्रवृत्त होने को बुरा समझता है। तुम्हारे लिए केक रखा है कल छुपा के, मैंने तुम्हारे लिए केक रखा है, मैं छुपा के लिए फलानी चीज रखा है, तुम खाओ तुम बैठो तुम स्वेटर पहनो, तुम ऐसा करेगा जैसे तुम बच्चे के लिए करता है। ऐसा भी ज्ञानी में मोह दिखाई देता है, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं है, और एक से राग द्वेष से द्वेष ऐसा नहीं है। बोलता है भगवान, भगवान तो मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में एक जैसा हूँ, तो भी मेरा भगत जिस भाव से मुझको पुकारता है उसी भाव से मैं भी उसको प्यार करता हूँ। तो मोह दिखाई भी देता है तो भी इसमें राग और द्वेष ये नहीं है। जन्म मरण का चक्कर राग और द्वेष में होता है, प्रेम में नहीं होता है। रामकृष्ण को भी विवेकानंद ने बोला भाई तुम्हारा मोह हो गया क्या हमारे में, पता नहीं मिठाई या कुछ रख दिया था विवेकानंद के लिए, भाई सबने तो खाई तुम खाई नहीं, तुम्हारे लिए रख दिया। बोला गुरु जी तुम्हारा भी मोह हो गया शायद हमारे में, तो दौड़ के गया देवी माता के पास, भाई देवी माता मेरे को बताओ मोह में तो नहीं मैं फंस गया हूँ। विवेकानंद के बोला ऐसा प्यार तुम सर्व को कर सकता है, बोला हाँ मेरे लिए तो किसको द्वेष है, किसी को भी किसी के लिए भी मेरे को द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है माना प्रेम है, कमती जास्ती मोह और प्यार और द्वेष और राग नहीं है, पर सर्व से एक जैसा प्यार है,
लेकिन जो जैसा खींचता है तैसा भगवान उसके लिए करता है। जैसा जैसा संकल्प भगत करता है तो उसके पूरे करने के लिए भगवान को कुछ करना पड़ता है उसके लिए। बाहर से ऐसा दिखाई देगा तो इसको मोह करता है, इसको नहीं करता। तो मोह भी देखने में आता है, तमोगुण भी देखने में आता है ज्ञानी में, और वो ऐसे गुण में रहते हुए भी उसको वो गुण जो है वो लिपायमान नहीं करता और नहीं उसकी आकांक्षा करता है। तो मेरे में होना चाहिए, ये दोनों बात ज्ञानी में होती है। तो जो तम शरीर में तो रहता ही है, पर ज्ञानी उससे सनाता जा रहा है, वो तीन गुण के अधीन नहीं है। तीन गुण के होते हुए भी उसको वो तीन गुण व्यक्त नहीं करता है, और प्यारा लगता है उसमें तीन को, अच्छा लगता है। कभी अधीरज भी अच्छा लगता है उसका, कभी धीरज भी अच्छा लगता है, मौन भी अच्छा लगता है, कभी बोलना भी अच्छा लगता है, कभी क्रोध भी अच्छा, कभी उसका अर्जस्य भी अच्छा लगता है। भाई कैसे सारी दुनिया का काम उतार के और सोया पड़ा है, जैसे कुछ करने का ही नहीं है। सब बात से हम सीखते हैं और वो अपने अंदर गुणातीत है, गुणों के अधीन नहीं है। और तुम्हारे अंदर जो गुण है उसके तुम अधीन हो जाते हैं, और राग में, द्वेष में, मोह में, अनहोण में, दुख में, भोगों में तुम्हारी सारी हयाती चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये तीन गुण की माया ऐसी अमोहिणी, उसमें तुम लिपायमान हो जाते हैं, ज्ञानी लिपायमान नहीं होता। तुमको भी आ गया, तुमको भी पहचान मिल रही है, अभी तुम भी अनुभव करेगा। ये समझेगा, ये बात बराबर है। इधर में राह पड़ा होगा ना, तुमको उसके बोझ नहीं लगेगा कि अधीन नहीं है। जब भी उनको नहीं पसंद है एकदम मौन रखो। पीछे बोलता था लाख रुपए कोई देगा ना बेटा तो भी मैं नहीं बोलूं। पीछे जब आके मुंजता था दादा फलानी खाली सलाह दियो, तभी एक अक्षर उसको बोलता था फिर बिफड़ी, तुमको चाहिए करो चाहिए करो। ऐसा बिरकत हो गया, अच्छा हो गया। ये घर वाला तुम्हारा बहुत अच्छा है, कभी बोलता है बोलो नहीं, हमको सलाह नहीं दियो, हम कहां भी जाएं, कैसे भी उठे, कैसे भी बैठे, तुमने ऐसा नहीं करो तो तुम बड़ा छूट गया सवेरे, तो बातों से छूट गया। तुमको छुड़ाने के लिए घर वाले अच्छे है। तो बहू को जास्ती बोलेगा अरे घी गिराया, बोलेगा सास कभी जाएगी सत्संग में तो मैं पीछे पकौड़ा पकौड़ा तर के सहरियों को खिलाएगी। तुम जाएगा सत्संग में, पीछे वो दोस्त सहरियों को बुलाएगा, बोलेगा ये जिंदा है तो बक बक कर रहे हैं सब लोग, ये सत्संग में जाएगा तो हम पीछे कुछ भी करेगा, मौज करेगा। तो तुम उसके मौज में कांटा क्यों बनता है? तुम्हारे मरने के बाद तो वो सब करेगा, घी भी गिराएगा, पकौड़ा भी तरेगा, टिक्की भी तरेगा, सब करेगा, अभी करे तुम्हारे सामने। तुमको रहने का नहीं है दुनिया में, जिसको रहने का है उसको दियो घर। नया राजा आए पुराने राजा को तख्त से उतरना चाहिए। बेटा बड़ा हो गया, बहू आ गई घर में, तुम सबको बिरकत होके एक बाजू रहने का है बस। थाली मिले तो खाओ, नहीं तो मांगना नहीं। यह तुम्हारा वानप्रस्थ, ऐसे घर में रहने का है, तभी तुम छूटेगा कर्मों से, नहीं तो कर्मों से नहीं छूटेगा, कर्म बनाएगा रोज। इतना मौन रखने का अभी तुम्हारा काम है, सत्संग की बातों में बस अपने उधार में लगा रहे, बहुत कुछ किया, अभी हाथ जोड़ के सबसे माफी लियो। भाई सबने शादी किया, बच्चा किया, ये किया, धंधा किया, अभी मेरे को छोड़ो बस, मैं बिरकत होके बैठा हूँ। घर में नहीं बैठना आवे तो कहां ना कहां बगीचे में जाके बैठो। दादा तो नदी के किनारे पर बगीचे में चला जाता था, तो गढ़ की वित्त में भी ऐसा मोह है। बैठेगा कोई कर्म दिखाई देगा बेटे बेटी का, निकलो घर से, जाके नदी के किनारे पर काफी लेके बैठ जाता मौज में अपने। दीवारों में भी मोह है, सब बात में मोह है। और तुम वांधा बैठा होगा ना, तुमको पोटा पोटी देखे जाएगा, संभालो, कोई ना कोई गधे का काम तुम्हारे से लेगा। इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास, इसको लेके जाओ इधर, क्योंकि बंदा बैठा है, अभी तक तुम्हारे में श्वास है, कुछ खून बुन है, तो तुम्हारा पूरा जब खलास होएगा तभी तुमको छोड़ेगा। यार तो अकेला बैठो, कितना टाइम बैठेगा, जितना भी लाइफ में फायदा मिलता है, जितना भी फायदा मिला है उतना ही बताने का है। ये साधन है, कोई सिद्धि थोड़ी है, निष्काम कर्म पीछे है, अर्जन जाता है। अभी जितने भी हमारे हैं, जिसने भी ज्ञान सुना है, जितने भी है, भी डॉक्टर है, उधर बैठा है, अपना काम भी जो उसका है,
लेकिन सुबह को जो दो झाड़ उधर इकट्ठे हो जाते हैं झाड़ के, उसको ब्लॉक ज्ञान सुनाता है, फिर शाम को बात करने के लिए। दादा की काफी सुनाता है, गीता पढ़ के सुनाता है, जितना अनुभव है उतना सुनाता है। टिप्स भरे हुए हैं काफी है, कुछ जो अपना अनुभव है, तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा जो प्रेम इकट्ठे हो जाएंगे तो कभी रिश्तेदार समझो आ गया, कोई मिलने के लिए आ गया, देखिएगा इधर सत्संग हो रहा है। अगर उसको सत्संग के लिए प्रीत होगी तो वो भी बैठ जाएगा, अगर उसको सत्संग के लिए प्रीत न होगी तो बोलेगा मैं घूम के आता हूँ, सिनेमा में जाता हूँ, चले जाता हूँ। तो ये तो छूट गए, बी गुड एंड ऑल विल बी वही खुद बोल रहे, ये भगवान का काम है। भगवान बोलता है मैं जाके अपने भगत के अंदर बैठता हूँ, इधर से भी वो बोलता है, इधर से भी सुनता है, ये भगवान का काम है, जो तुमको इधर लेके आता है ये सब भगवान का काम है। हमने तो कभी एक अक्षर भी किसको नहीं सुना है। तो तुम अगर अभिमानी बन के सुनाना शुरू करेगा तो तुमको नहीं आएगा बराबर, मैं मिस्टर सो एंड सो मैं कैसे सुना सकूंगा, तुमको तो आएगा भी नहीं। जब गुरु को इधर रखेगा तो गुरु तुम्हारे मुख से आप ही बोलेगा ना, तुम थोड़ी बोलेगा। तो ये सब भगवान का काम है, बाकी तुम्हारा हमारा काम नहीं है। भगवान खुद आके ऐसा करता है, खुद अर्जुन को बोला है मेरे भक्तों में जाके ये ज्ञान बांटो, खुद भगवान का कहना है। वही मेरा परम प्यारा है जो मेरे भक्तों में जाके ये ज्ञान बांटता है। पांच विषय, पांच विषय शब्द सप्रश्न प्रसुगंध और पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये 23 तत्व का ये पिंड है शरीर है, स्थूल शरीर। अच्छा, तो इंद्रियां अपने विषय में आप ही वर्त रही है, गुण गुण में वर्त रहा है, तीन गुण का तुम्हारे में जो स्वभाव है, स्वभाव अनुसार तुम वर्त रहे हैं ऑटोमेटिकली। पर आत्मा का उसी से कोई रास्ता नहीं है पिंड से, ये 23 तत्वों का जो पिंड है उसी से आत्मा का कोई लगापन नहीं है। आत्मा कुछ भी करता नहीं है, अकर्ता दृष्टा साखी है। ये तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर अपनी अपनी इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, और जैसा तुम्हारा गुण है, सातु की गुण है, समझे तुम्हारे में जास्ती था, वो स्वभाव मुझे तुम्हारा कर्म होगा। किसका राजसी स्वभाव है, किसका तामसी स्वभाव है, जैसा जैसा तुम्हारे में गुण है, स्वभाव है और इंद्रियां है अपनी, उसकी विषय है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही तुम्हारे से कर्म हो रहा है। आत्मा करता नहीं है। तुम बोलते हैं कभी कभी भगवान हमको कराता है, न चाहते हुए भी शायद भगवान हमारे से कर्म कराता है, तो भगवान भी नहीं कराता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। पर तुम्हारा स्वभाव जो तुम गुणा के अधीन है, त्रिगुणी माया के अधीन है, शरीर इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के विषय के भी तुम अधीन है, सारे शरीर के तुम अधीन है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे से कराता है। और जो भी इंद्रियां अपनी अपनी विषय में, आंख का विषय है देखना, कान का विषय सुनना, नाक का विषय सूंघना, मुख का विषय बोलना या खाना, ये जो भी इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, वो अपनी अपनी विषय में आप ही वर्त रही है, इसमें तेरा की तुम आत्मा का कोई वास्ता नहीं है। तो ज्ञानी ऐसा समझता है कि ये सब इंद्रियों से, शरीर से, मन से, इससे कर्म हो रहा है, पर मैं अकर्ता साकी दृष्टा सीयर हूं, मेरा ऐसी से कोई वास्ता नहीं है कर्म से। और अज्ञानी बिल्कुल चिपका पड़ा है ये शरीर से, यार कंधों पे आ जाता शरीर था, तो अज्ञानी बोलता मैंने किया, करती है इंद्रियां, चलती है इंद्रियां, तुम बोलता मैंने किया, आंख ने देखा, तुम बोलता मैंने देखा, तो तुमको डाला जाएगा कहां उसमें, जेल में, भाई तुमने क्यों बोला, तो मैंने देखा, देखा इंद्रियों ने, तुमने क्यों बोला। जैसे दादा इसके ऊपर एक मिसाल देता है, एक आदमी ने, तो महात्मा गांधी ने पोएट्री लिखा, वो पोएट्री चोरी करके एक आदमी ने जाके अपने नाम पर छपाई, तो उसको जेल में जाना पड़ा, समझा। ऐसी तरह से इस इंद्रियों से, शरीर से कर्म होता है, ऑटोमेटिकली होता है, तुम बोल रहे मैंने किया तो तुमको जेल में डालना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के धर्म में तुम क्यों गया, पर धर्म में तुम क्यों गया, इंद्रियों के धर्म में तुम क्यों गया। गीता में बोलता है पर धर्म में नहीं जाओ, तो किसी ने समझा शायद बोलता है हिंदू से मुसलमान नहीं होना, और जब कृष्ण भगवान था तभी मुसलमान थे ही, सब आर्य लोग थे, मुसलमान तो पीछे धर्म हुआ है। तो तुमने ऐसा समझा कि कृष्ण भगवान बोलता है तुम अपने धर्म में पक्का रहो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तुम अपने धर्म में रहो, ऐसा नहीं बोला। सुधर्म माना आत्मा का धर्म, और ये पर धर्म माना इंद्रियों का धर्म।
इंद्रियां जो जो कुछ करती है तुम उसी के कर्म में जाते हैं, मैंने किया। अभी रसोया पकाता है, तुम बोले मैंने कड़ी बनाई है, कैसे है, ठीक है, तो तुम पापी नहीं हुआ। ऐसी तरह से इंद्रियों का कार्य अपने में मानना, मन का कार्य अपने में मानना, संकल्प विकल्प अपने में मानना, कर्म अपने में मानना, आत्मा में मानना, यही तुम्हारा दोष है। आत्मा को कर्ता समझना, अपने को कर्ता समझना, तो जो करता है सो बढ़ता है, सो मरता है। तो गुण गुण में वर्त रहा है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, मैं साकी भाव में देख रहा हूँ, मैं करता कुछ भी नहीं। भगवान जिस घर में, जिस वानप्रस्थ में की संन्यास में की गृहस्थ में, जहां भी तुमको रखा है, ब्राह्मण बना के कितरी की वैश्य की शूद्र, तो तुमको उधर ही रह के उधर से ही तुम भगवान को पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो जब कितरी बनेगा या कितरी है तो जब ब्राह्मण बनेगा तभी कोई तुमको ज्ञान आएगा, ये पॉइंट भी है। लेकिन ये भी जो अर्थ दादा ने किया है ना, ये भी बहुत बहुत श्रेष्ठ है। इंद्रियों के धर्म में तुम नहीं जाओ, पर धर्म में तुम नहीं जाओ, अपना धर्म जो आत्मा का धर्म है, शुद्ध धर्म है, उसमें पकड़ो, दूसरे के धर्म में नहीं जाओ। मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सा फल निकलेगा, इस कर्म का फल क्या निकलेगा, मैंने कौन सा कर्म किया था जो ये फल निकला, मेरे को बताओ कौन सा कर्म किया था जो ये फल निकला। तो खास कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका ये फल निकला कि वो फल निकला, कर्मों की तो गति गहन है भाई। इतना तुमने कर्म किया है जिसका ये फल निकला है, तो तुम पूछ रहे कौन सा कर्म है जिसका ये फल निकला, कौन सा कर्म करूं जो ये फल निकले, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इसी बात में नहीं जाओ। कर्म की गति बहुत गहन है, तुम अकर्मी और तुम निष्काम बनो। जो निष्काम होएगा उसके लिए कोई भी कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन जो मन है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा अहंकार, वो तुमको कर्म में बांधता है। इच्छा और अहंकार की वजह से जो तुम कर्म करेगा उसमें बांधेगा अपने को, और जो निष्कामी है वो कर्मों से ही ऊपर चढ़ जाता है। कर्म असली उसके ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो जाता है, कर्म उसके खाते ही नहीं आता। बाकी तुम जीव भाव में रह के पूछेंगे कौन सा कर्म करूं, मुझे क्या मिलेगा, कौन सा मैंने कर्म किया, काहे के लिए ये फल निकला, वो हमारे को कर्म बताओ, मेरे को ये बीमारी क्यों आई, मेरे को ये दुख किया, मेरे को फलाना क्यों आया, कौन सा मैंने पिछले जन्म में कर्म किया था, या कौन सा अभी कर्म किया है जो ये फल निकला है। तो कर्मों में जाएगा तो उसकी गति कहेगा, तुम इसी बात में ही नहीं जाओ। खाली अभी पुरुषार्थ करके और कर्म के बंधन से छूटो, ऐसी लंबाई चौड़ाई में नहीं जाओ कर्मों के। लेकिन अभी छूटे कैसे, कर्म तो तुम करके बैठा, तीर तो कमान से छूट गया, प्राणबुद्ध बन गई, तुमको शरीर मिल गया, अभी उसी का नतीजा तो जरूर निकलेगा। अभी नतीजा जो निकलेगा फल, उसी में मैं कैसे बंधेमान नहीं हूँ, कैसे मैं भोक्ता अपने को नहीं समझू, कैसे कर्मों के दुखों से छूटू, जो फल हमको दुख सुख मिलता है अभी कैसे उनसे छूटू, और बाकी बड़ी कर्म नहीं करवाती, फिर कर्म नहीं करती, कैसे हमारा कर्म नहीं बने, और प्राणबुद्ध का दुख सुख भी हमको असर कैसे नहीं होगा, उसी कर्मों के फल से भी कैसे छूटे, और फिर अभी कर्म कैसे नहीं करें, ये पुरुषार्थ करके अपने को अकर्ता दृष्टा साक्षी समझो, तो मेरा कोई भी कर्म का खाता जो है वो सब बंद हो गया, अभी कोई भी कर्म मेरे खाते नहीं। बाकी इतना कर्म है, इतना कर्म तुमने किया है, संचित प्राणबुद्ध क्रियमान, बहुत ही जन्म का कठा हुआ कर्म है जिसका अभी फल निकलता। तो कर्मों की गति गहन है, गति में जाएगा तो बहुत ही गहन है, तुम नहीं समझ सकेगा तो कर्म कौन सा, किस ख्याल से मैंने किया, पीछे क्यों ये फल निकला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे देख रेख कर्म में जाएगा तो तुम नहीं समझेगा। लेकिन अभी कर्म का खाता बंद करो, ये जो मन तुम्हारे से कर्म करता है, इच्छा तुम्हारे से कर्म कराती है, अहंकार की वजह से तुम कर्म करता है, तो अभी भी बन रहा है कर्म, एक तो फल भोग रहे हैं अभी, दूसरा कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर्म का खाता बंद करो, कर्म कोई भी तुम्हारे खाते नहीं आ रहा। ऐसा पुरुषार्थ करो कि मेरे को कोई इच्छा और अहंकार तो नहीं है, ममता से तो नहीं करता हूँ, समता में हूँ कि ममता में हूँ, संग रहती हूँ उनके संग सहित हूँ, ज्ञानी संग रहत कर्म करता है, कोई कनेक्शन नहीं है किसी से, ये मेरा है इसके लिए मैं कर्म करता हूँ, संग रहत कनेक्शन रहत अनकंसर्न होके उसका कर्म जो है वो सबके हित के लिए है, सब में समत्व भाव है उसका, वह सब आत्मा ही आत्मा है।
तो तुम मोह में करेगा, कभी लोभ की वजह से करेगा, कभी अहंकार में करेगा, कभी इच्छा से करेगा, कभी कैसा कर्म तुम्हारे से होता है। इसलिए कर्मों में तुम अभी नहीं जाओ, खाता बंद करके निष्काम हो जाओ, अंदर में निष्काम हो जाओ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, करने का भाव ही तुम्हारे में नहीं उठे, कर्म अभी भगवान तुम्हारे से करा रहे। जो ज्ञानी अपने इच्छा और अहंकार से खाली होके बैठा है वो भगवान का एक हत्या बन गया। अभी परमात्मा खुद नारायण भगवान आके उसके शरीर में रथ में बैठता है और रथ चलाता है, जैसे कृष्ण अर्जुन का रथ चला है, क्योंकि उसने रथ दिया, वाग दिया सब। तो तुम भी इस शरीर रूपी रथ और इंद्रियों रूपी घोड़ा, उसकी वाग जब भी भगवान को देगा तो भगवान तुम्हारा ये रथ चलाए। अभी तुमको रथ नहीं चलाने का, भगवान की मर्जी किधर भी उसका रथ लेके जाए, भगवान तो राइट रास्ते पर रथ लेके जाएगा ना, तुम्हारा रथ रॉन्ग रास्ते पर जाएगा। भगवान उसका मोह काम इच्छा वासना काट के और निष्काम के तरफ जा रहा है, उसको लेके भगवान के तरफ लेके जाता है उसके रथ को। तुम भी जब ही सरेंडर करेगा अर्जुन की तरह कि मेरा रथ भी तुम्हारा है, घोड़ा भी तुम्हारा है, वाघ भी तुम्हारी है, तुम मेरे को चलाओ, भगवान मैं तो नहीं चल सकता हूँ, मैं तो भूला हूँ, तो भूले मार्ग जिसने दिखलाया, अभी तुम मेरा गुरु है, भगवान है, तुम भूले हुए मार्ग से मेरे को राइट रास्ते पर लेके चलो। तो ये रथ तुमने बराबर भगवान को दिया है कि तुम चलाता है, जब तक तुम चलाता है तो तुम पाप के तरफ ही जाएगा, तुमको पता नहीं है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, भगवान को ही पता है, गुरु को ही पता है। तो उसको तुम सरेंडर करो, ये रथ उसको दियो, भगवान को दियो, अभी निराकार की शक्ति से, निराकार के हुक्म से ही तुम्हारा रथ चलेगा। जब तुमको अपनी इच्छा और अहंकार नहीं होएगा तो भगवान चलाएगा, अगर अपनी इच्छा से तुम चलेगा तो हवा खाएगा, धक्का खाएगा, अपना मार्ग तुम नहीं सही सकता है। क्योंकि जंगल में कोई जाए भूल भुलैया के खेल में कोई जाए तो उसको पता ही नहीं है हम कहां से बाहर निकलेगा, लेकिन भगवान उसका गाइड होएगा, गुरु, तो उसको बाहर निकालेगा। नीचे वजीर अमीर ये वो जो नाचनी डांस ये वो जो भी कुछ होता है वो नीचे सब होता है, राजा अपने सिंहासन पर खड़ा है। अगर राजा उस नाचनी को देख के अपना सिंहासन छोड़ के और नाचनी के साथ नाचे तो राजा की इज्जत गई, समझा? ये भी शास्त्रों में मिसाल आता है राजा का। तो जैसे तू राजा है, तू आत्मा है, तुम अपने साखी भाव में सत रहो। अगर अपना साखी भाव छोड़ के मन बुद्धि के साथ तुमने भी नाच करना शुरू किया, मैं करता हूँ, जैसे मन ने तुमको चलाया, जिधर मन तुमको लेके गया तुम उधर चला गया, तो ये तुम्हारी मोह तू ही आत्मा होगी, आत्मा शरीर के साथ भूल हो जाती है थोड़ी सी देर के लिए, जैसे आप तीन मील की लहर बताते हैं कि पानी की मिट्टी की पर लकीर में क्यों आवे, ये ज्ञानी का इसने बोला भी अज्ञानी को पत्थर पर लकीर की तरह जगत दिखाई देता है, दुख होता है, और जिज्ञासु को वाड़ी के ऊपर लकीर, और ज्ञानी को पानी के ऊपर लकीर। तो पानी के ऊपर लकीर थोड़े टाइम के लिए भी क्यों आती है, थोड़े टाइम के लिए भी लकीर आई तो तुम आत्मा को छोड़ के शरीर में आ गया। राजा अपना सिंहासन छोड़ के और मन बुद्धि के साथ तुम नाचने लगा, पर अपने में कर्म माना, मेरा बेइज्जती हुई, मेरा अपमान हुआ, ये मेरा है, ये मेरे कहने पर नहीं चलता, ये मैं हूँ, मैं दुखी, मैं सुखी। दो मिनट के लिए भी हम अपनी आत्मा से अपने राजा अपने से क्या के लिए नीचे उतरा, भंगी क्यों बना, पर राजा कभी भंगी बनता है, पर कचरा उठाता है भंगी का राजा होके, तुम आत्मा होके उसका 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 दोष देखा, ये कचरा उठाया, फिर कचरे में आ गया, फिर सिकंदर कचरे में आ गया, फिर दूसरे के कचरे में भी आ गया, द्वैत का देखा कचरा तो फिर तुम्हारे में आ गया, तो राजा से बंगी बन गया। थोड़ा पले को जाचो कि मैं कौन हूँ, सूरज के ऊपर बादल आ जाए। तो इतनी जागृति चाहिए, गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर वक्त सुजाग, ऐसा सुजाग ही में रहो, कोई भी अचानक बात आए और मैं आत्मा हूँ, सीधा जवाब दियो उसको, कोई आके तुम्हारे को बोलेगा तुम्हारा बेटा अभी मर गया, भाई तार आई है, चिट्ठी आई है, तो तुम उसी टाइम कैसे बचेगा। अभी सत्संग में ही किसी का आदमी आता है, कुछ भी आके बताता है, सुख चाहे दुख कोई भी बात आके बताता है, तो तुम क्या करेगा, भाग जाएगा, रोएगा, पीटेगा उसी टाइम,
आत्मा को बुला के नीचे आ जाए। तुम अपने को शरीर मानता है तो सारे जगत का दुख तुमको होएगा। कभी पानी की लकीर होती है तो कभी वाड़ी की भी आ जाएगी, कभी फिर पत्थर की भी आ जाएगी। जीव भाव में कभी मन माकोड़ी, कभी केहर सिंह, कदे मन माकोड़ी कदे केहर सिंह, सरत्यू सारो डी में जो ही नहीं करे अंत। जीव भाव में जो तुम रहता है तो मन कभी तो माकोड़ी हो जाता है, इतनी इतनी छोटी भाई थोड़ा सा ख्याल आया, अरे कभी फिर ऐसा ख्याल आएगा, ऐसा मन आएगा तुमको पता ही नहीं लगेगा, तो कैसे मैं भूल जाऊं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, विल्लो को बचो गुरुमुख वर्ण भागी। विल्ला कोई बच जाता है जो गुरु के मुख से ज्ञान सुन के आत्मा का निश्चय करता है। बाकी बाहर से त्याग किया, वैराग किया, जंगल में गया, ऐसा किया, साधन किया, यत्न किया, उसको भी माया ले जाती है, क्योंकि जीव भाव है। ये जीव भाव जो है ना बिल्कुल असल गंवाना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, ऐसा पक्का करके बैठो। कोई भी आके मेरे और तेरे की बात करे तो उसी टाइम जवाब देगा, किसका बेटा, किसके बेटे की बात करता है, हमारे को कोई बेटा नहीं है, मैं आत्मा हूं। तुम्हारा बेटा मरा होगा, तुम जाओ, ऐसी शक्ति है तुम्हारे में। राजा जनक का मेला तो जल गया, गुरु के सामने बैठा था, बाकी सब जो है वो चले गए। बोला उसके मेला के बाजू में मेरी मासी का मेला था, कोई झुपड़ी है मेरी, उधर फलाना मासात रहता है मेरा, मैं जाता हूँ। तो मासी और मासात के लिए वो गया, राजा जनक उधर ही बैठा था। गुरु को बोला मेला भी तुम्हारा है, जाके तुम आग बुझाओ, मैं क्या करूं, तुम्हारे मेला को आग लगी है, मेरे मेला को लगी है। एक आदमी आया दादा के पास, तुम्हारे ऊपर लाख रुपया इनकम टैक्स पड़ा है। दादा ने बोला मेरे को एक पाई भी नहीं है, कोई दुकान ही नहीं है, पागल है क्या। बोला तेरे दुकान जो मेरी फैक्ट्री है वो तेरी तो है, उसको पेन की फैक्ट्री थी, फाउंटेन पेन की, तो उसको पर कोई कुछ ऐसा हो गया रोला, केस कोर्ट में था मैं कल, इनकम टैक्स आपका भर के आया हूँ, आपका लाख रुपया दे के आया हूँ, ऐसा बोला बहादुरी से। दादा आपको नुकसान हुआ, हमारे को हुआ क्या, ऐसा कुछ जैसे हमारा कुछ गया ही नहीं। गुरु का गया, फायदा भी दादा आपको था, नुकसान भी आपको पड़ा है, हमारे को थोड़ी पड़ा है ऐसा कुछ। तो बेटा भी दादा का मरा, तुम्हारा मरा क्या, आके बोलो ना दादा को, तुम्हारे को ये नुकसान नफा हुआ है, तुम्हारा मरता जलता है, हमारा कोई मरता है क्या, मैंने तो तुमको दे दिया सब, मेरा था क्या, था ही तेरा, हमारा था ही नहीं। तो उसी टाइम क्या तुम जवाब देगा, कौन सा जवाब निकलेगा तुम्हारे मुख से, कैसे तुम जागृता में आ जाओगे, सपने के बेटे की बात करता है, बेवकूफ है, निकलो इधर से। मैंने रात को चार बेटा सपने में देखा, तो जागा तो सपने वाला बेटा चार ही मर गया, उसके लिए तो हमने रोया नहीं, तो ये भी तो सपना है। दिन का सपना भी सपना है, रात का सपना भी सपना है। रात को सपने में तुमने चार बेटा देखा, सुबह को उठी तो चार ही मर गए, तो ये तुमने रोया, जागी तो चार ही मर गया, खलास। तुम बोलते हैं मैं जागता हूँ तो ये सपना था, सपने का तुमको दुख नहीं हुआ, और ये क्या है, ये जो तुम बैठे है ये क्या है, अभी ये चले जाएंगे लखनऊ, ये चले जाएंगे कानपुर, ये चले जाएंगे कहाँ पीछे, ये सपना नहीं हुआ। तो तुम तो समझते मेरे को साड़ी मूल दरी रहने का है, ये मेरा है बस, ये जगत है रहन का सपना, सपने मात्र, कभी सपने मात्र, जब तुम जागेगा आत्मा में पूरा जागो, ऐसा नहीं कभी नींद कभी जागना, कोई बात आ गई फिर नींद में आ जाएगा, फिर सपने में आ जाएगा, फिर सपने का जवाब देगा, हाँ और हूं करेगा, रोएगा और पीटेगा, पहले से ही तैयार नहीं होएगा, तो अचानक कोई ऐसी तकलीफ आ गई तो तुम तो पत्त गवाएगा, भगवान की भी गुरु की भी अपने ही सब शास्त्रों की भी पत्त गवाएगा, भाई इतना शास्त्र पढ़ के अभी ये रो रही है माई, भाई इतना गुरु भी किया, सत्संग में भी गया, ये भी किया, वो भी किया, अभी देखो कैसा रो रहा है, तुम्हारे ऊपर हंसेगा सब। तो पहले से ही गुरु हमारे को रिहर्सल करा देते हैं सब बातों, भाई ऐसा होगा तो भी क्या, ऐसा होगा तो भी क्या, किसका बेटा नहीं मरा है जो आज नई बात हुई है क्या, जो तुम्हारा मरा है, किसका मर्द नहीं मरता है, कौन विधवा नहीं हुई है दुनिया में, तुम नई माँ विधवा हुई है क्या, आज नई बात हुई है क्या, नथिंग न्यू अंडर द सन। ज्ञानी सब बात पहले से ही देख लेता है, सोच लेता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो रहा है। पहले दिन इतना दुख होता है, 12 महीने के बाद इतना दुख होता है, माई ने पहले दिन रोती है हाय हाय करके मैं विधवा हो गई, 12 महीने के बाद देखो उस माई को, सारी पहन के सिनेमा में जाएगी,
बच्चे की दिल हुई मैं घूमने आई हूँ, बच्चे को घुमाएगी फिराएगी खिलाएगी खाएगी पिएगी सोएगी सब करेगी कि नहीं? तो पहले दिन काहे के लिए दुख किया, जब 12 महीने के बाद उसको शांत करना ही था, घूमना फिरना भी था, सब कुछ करना था, तो पहले 12 महीना पहले क्यों नहीं समझ आई? भाई जब 12 महीने के बाद मेरे को खुश होने का ही है तो अभी खुश होकर दिखाऊ ना, अभी काहे के लिए रोऊं? कोई भी दुख आता है पहले जास्ती लगता है, पीछे धीरे 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 तुम भी सह जाता है सब दुखों को। तो ज्ञानी जो तुम पीछे काम करता है, ज्ञानी पहले ही काम करता है। रोना धर्म है कच्चों का और बच्चों का, जो कच्चा है और बच्चा है बेवकूफ है मूर्ख है वो रोता रहता है। ज्ञानी का मतलब है अशोक रहना, अशोक रहना तेरा धर्म है। अशोक किसी बात का भी शोक नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर विनाशी है, अवश्य विनाशी है ना, अवश्य जाने वाला है ना। कौन सी नई बात है जो तुम बोल रहे? क्यों गया जवानी में, क्यों गया बुढ़ापे में? जाता था ऐसा होता था, बकवास जो करता है तुम्हारी चलेगी? सब फिजूल बोलते हैं, यानी एक अक्षर भी फिजूल नहीं बोलता, बोलता है परमात्मा ने जो किया सब ठीक ही ठीक किया, हमारे आंख पर है। कभी नहीं बोलता ऐसा क्यों ऐसा क्यों। इसमें समझ नहीं आई, अंदर पाप है, अंदर पाप करते थे, इच्छा को दबा के अंदर पाप करते थे। तो गीता में भगवान ने बोला बैर तो बैर से कोई विषय नहीं भोगे, लेकिन अंदर चिंतन करे वो तो महापापी है। तुम भी पाखंडी है जो तुम खुशी से बच सकते हो माया से, बाकी वो दोनों तरफ माया। जैसे सन्यासी है तो जबरदस्ती इंद्रियों को रोकता है, और भोगी है तो जबरदस्ती इंद्रियों को छेद छोड़ता है, विलायत वाले छेद छोड़ते हैं, और इधर हिंदुस्तान वाले जो सन्यासी है वो अपने को दबाते हैं, और दोनों गिरे हैं, दोनों गिरे पड़े। एक ही ज्ञान का रास्ता है मार्ग, बीच का मार्ग जो है वो सहज मार्ग है। ज्ञान के सिवा तुम इंद्रियों को छेक भी छोड़ेगा तो भी गिरेगा, अगर तुम जबरदस्ती उसको दबाएगा तो भी गिरेगा। इधर है सहज त्याग ज्ञान में, तभी बचेगा। मत कोई भरम भूले संसार गुड़ बिन कोई नौ तरस पार, गुरु के साथ हमको राइट रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो पीछे बस ऐसा ही रास्ता ले। फ्रीडम भी खराब है, छुरवागी भी खराब है, और जबरदस्ती उसको किसको दबाना वो भी खराब। होता है एक विधवा से क्या जुल्म होता है, एक विधवा घर में हो गई सब उसको डायरेक्ट समझेगा, अरे इसका शिकल क्यों देखा नहीं, उसको खाना नहीं कपड़ा नहीं घूमना नहीं फिरना, बस तुम बैठो घर में या किचन में जाओ या हमारा बाल बच्चा तुम जो संभालो तो हम घूमे फिरे ऐश करें। एक विधवा घर में, बाकी सब भाई भाभी सब जाके अपने अपने रूम में सोएगा और विधवा को अकेला छोड़ेगा तो उसकी क्या हालत होगी? कौन उससे हमदर्दी करता है विधवा से घर में? और विधवा में और भी आंख खराब रखेगा, देवर भी सुसर भी देवर भी सब खराब आंख रखेगा एक विधवा में। विधवा बच नहीं सकेंगी दुनिया में, एक औरत बच नहीं सकती है, ऐसे मर्दों की जो है वो नजर खराब उसमें जरूर पड़ेगा और विधवा को खराब कर देगा। कोई औरत बच नहीं सकती है, ऐसे मर्दों का जुल्म था, तभी औरतों ने अपने इनकलाब पैदा किया। अभी काहे के लिए हम नहीं पढ़े लिखे अपने अपने पांव पर खड़ा रहे अपना कमाए कि मर्दों की गुलामी से छूटे? अरे पहले कुंवारी है तो बाप के नीचे गुलाम, फिर शादी किया मर्द के नीचे, फिर विधवा भी देवर के नीचे भाई के नीचे, उसका पैसा सब खा जाएगा, बोलेगा तुमको 100 रुपया मिलता है ना बाकी मैं तुम्हारा पैसा संभालता हूँ, खाए मौज करें क्या है? जो दुनिया में हम आए तो खाली गुलामी की ऐसी जिंदगी काट के जाए क्या? इसी से तो मरना चाहे, तभी वो उसने कमाया कटा खाया पिया मौज किया बस। जैसे मर्द तैसे वो, आजकल वो दोनों को ऐसा समान हक मिल गया है, वो खुश है अपने इसी बात में, तो भी दुखी है अज्ञान की वजह से, तो भी दुखी है, मां दुखी है, सकल सृष्टि का राजा दुखी है, मर्दों के भी दुखी है, मर्द बेचारा भी दुखी अपने हाल में, औरत भी अपने हाल में दुखी, उसको कमाना पड़ता है उसको घर चलाना पड़ता है, दोनों दुखी। ज्ञान के समय तो है ही दुख, लेकिन पहले जो उनको सब हक था उनको कुछ नहीं था, तो उसने भी हक अपना ले लिया, भाई हम भी ऐसा रह के देखे दुनिया में, भाई रहो रहेगा तो भी दुखी है अज्ञान की वजह से सब दुखी। बोले भाव में ले रहे बुराई, तुमने पाप नहीं किया है, कमाया नहीं है, ब्लैक मार्केट नहीं किया है, खून नहीं किया, खून रेजी ब्लैक मार्केट ठगी चोरी ये जो बातें करना खून करना ये करना सब जो है वो मर्दों का काम है,
औरत बेचारी घर में शादी करके घर में बैठती है, बस बच्चा पैदा करके उसको खुश किया, उसको पकाया, उसको ये किया, उसको सिंगारा, फिर सत्संग में गई, उसी से जास्ती पाप नहीं होएगा। इसके लिए तुम्हारा जो जन्म है वो बहुत अच्छा जन्म है, ऐसे बोलता है। हम अबूर में गए पर जन्म लेना ही पाप है, इसलिए फिर वापस जन्म नहीं लेना। जन्म में ये जो मर्द का जो फैल का है वो बहुत पाप का जन्म है, बहुत नभागा जन्म जो है। कार में उसको नीचे रखो, मर्दों को पहले ही अहंकार है तो उसको निम्रता चाहिए, और औरतें पहले ही मरी गड़ी रहती है तो उसको बहादुरी चाहिए। दादा रोज पूछता था मर्द से अपना गुण लेके आओ और औरत का भी गुण लेके आओ, एक भी गुण मर्द ने जैसे गुण आज तक नहीं लिखा है, तुम कभी लिख दिया मैंने देखा पड़ेगा। गुण कौन सा है मर्दों में और औरतों में गुण कौन सा है बताओ? मर्द में कभी पड़ी थी ताली मिली बैठी थी, चूहा सामने आया ऐसी तरह से, वो ऐसा बगले पक्षी की तरह बैठा था गंगा किनारे, अंदर स्त्री पड़ी थी, खाली बाहर से सामने आया साधन आया और उड़ गिर गया। तो ऐसी तरह से कितना भी साल तुम अभ्यास करो, अगर देह ध्यास नहीं छोड़ा, मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ ये नहीं भूला तुम्हारे से, तो तुम सभी कभी भी गिर सकते। ब्रह्मा अपनी लड़की के ऊपर गिर गया, कोई कहाँ गिराई पड़ा, क्योंकि अपने को ब्रह्मा समझा, मना मर्द समझा। ये मर्द पड़ा ये स्त्री पड़ा ये सब जब भूल जाए और एक ही ब्रह्म में तुम टिक जाओ तभी तुम छूटेगा, नहीं तो छूटना ही मुश्किल। चाहिए कि दुख चाहिए, किस में तुम्हारी उन्नति हुई? प्रोग्रेस अगर होवे आत्मक उन्नति किस बात में होती है? तुम्हारे जीवन में दुख भी आया होगा सुख भी आया होगा, तुम सुजाग कभी हुआ है? दुख में भगवान याद आता है कि सुख में भगवान याद आता है? तो दुखदारू लगता है कि नहीं, यहाँ भी डर भगवान मेरे को दुख नहीं भेजना, भगवान ऐसा तो नहीं बोलता है तो दुख नहीं भेजना, दुख से डरता तो नहीं है? जो दुख से डरता है उसके पास दुख ही आता है और दुख में वो दुखी होता है। जो बोलता है प्रिया संदेह पार की मिड़ी हुई मिठाई, भगवान से जो भी आता है वो मिठाई मेरे लिए, और दुख भेजेगा तो तुमको ऊपर चढ़ाने के लिए। बीमारी में दुख में कष्ट में जभी जभी पैसा जाता है, औरत जाती है, कोई विधवा होती है, कोई बच्चा जाता है, तो उसका मन निर्मल हो जाता है, पौत्र हो जाता है। खाली किसको बोलो तुम सात दिन में मरेगा, देखो सात दिन में एक भी पाप करेगा? जब इसको दुख कोई बात बताओ दुख की, पीछे देखो वो पाप करेगा क्रोध करेगा, कोई भी पाप उससे नहीं होगा। खाली उसको मौत याद दिलाओ अपना की बेटे का की किसी का भी, देखो वो कैसे बैठता है, पौत्र हो जाएगा निर्मल हो जाएगा, भगवान ही उसको याद आएगा। तो जो दुख सुख में समान रहता है, जो दुख में घबरा नहीं जाता है और सुख में फूला नहीं जाता है, कोई ज्ञानी समान स्थिति वाला है, समान है, नहीं ऊपर नहीं नीचे। तुम तो पिंगे में बैठे हैं झूले में, कभी ऊपर तो कभी नीचे। सुख आया तो बहुत खुश, भाई आज मैं ग्रंथ साहिब रखाता हूँ क्योंकि मेरे को बेटा हुआ है, क्योंकि मेरे को लॉटरी लगी है, और कल बेटा मरेगा तो ग्रंथ साहिब रखाएगा पारायण रखाएगा। और जब खुशी की बात होती है, भाई हमने भागवत रखा है, हमने वो ग्रंथ साहिब रखा है, सत्यनारायण रखा है, तो वो दुख का दिन जब भी तुम्हारे पास आता है तो तुम हिल जाता है, हिलता नहीं है ज्ञानी किसी भी बात में, पक्का रहता है पहाड़ जैसा पक्का। बोलते दुख आया है मसा मसा, तो भगवान ने दुख भेजा है हमको, हमको इतना याद किया है, ऐसी अच्छी प्रेजेंट दिया है, तुम प्रेजेंट समझो जब भी दुख आवे, बहुत खुश हो जाना, भाई ये दुख हमको सुजाग करने के लिए भगवान ने भेजा है, भाई अभी तक तुम्हारी आंख बंद है अभी सुजाग हो जाओ, सुजागी के लिए ये दुख है, कोई भी दुख बुरा नहीं है। इसके लिए बोलते हैं ज्ञानी दुख में सुख में मान में अपमान में इज्जत में बेइज्जती में एक समान रहता है, तुम्हारी बेइज्जती बहुत हो दुनिया में मुझे तुम क्या करेगा, तुम बोलेगा मैं तो जाके मरता हूँ, ऐसी बेइज्जती जहाँ जाता हूँ आदमी अंगुली उठाता है ऐसा ऐसा करता है, ये फलाना ऐसा है ये फलाना ऐसा है। अगर भगवान के तरफ तुम आता है तुम्हारी बेइज्जती होती है तो इज्जत है, बाकी दुनिया में तुम मर्यादा से भी गिरे हुए हैं और तुम्हारी समझो बेइज्जती होती है तो वो बराबर मौत है। दुनिया में तुम भले अच्छा होके रहना, लेकिन जब भगवान के तरफ आओ तो अपने उद्धार के लिए तुम आ रहे हैं समझो, और सब घर वाले नाराज होते हैं, दुनिया नाराज होती है, सारा जगत तुम्हारी निंदा।